आज तक का जो अपडेट है कोविड से रिलेटेड, एक्टिव केसेस की संख्या 2672 है, 2-5 कल तक का ही है। 2672 एक्टिव केस है ज़िला में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस की संख्या वाले ब्लॉक्स हैं, समस्तीपुर शहरी एरिया में 174 और समस्तीपुर ग्रामीण एरिया में 274। समस्तीपुर टोटल सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है, इसके बाद दलसिंह सराय में 283 एक्टिव केस है, सराय रंजन में 195, शिवाजी नगर में 149, उजियारपुर में 139, पूसा में 128, कल्याणपुर में 125, विद्यापति में 108, इस तरह से एक्टिव केसेस हैं। पटोरी में 127 और अन्य प्रखंडों में ये डेटा आप लोग को हम लोग शेयर कर देंगे। मैं पिछले 24 घंटे में जो कोविड के मामले आए हैं, 393 मामले आए थे और 24 घंटे में 333 लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी किए हैं। शहर और गांव का भी हम लोगों ने एक एनालिसिस किया है, ज़िले में लगभग 35% गांव कोविड से प्रभावित हो चुके हैं और शहरी वार्डों में लगभग 95% शहरी वार्ड, समस्तीपुर दलसिंह सराय और रोसड़ा मिला करके 61 वार्ड में लगभग 59 वार्ड, 95 से ज़्यादा प्रतिशत वार्ड भी कोविड से प्रभावित हो गए। कंटेनमेंट जोन अभी ज़िले में 427 हैं। हम लोगों ने अभियान भी शुरू किया है कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज़ करने का, शहरी इलाकों में दो दो गाड़ियाँ, समस्तीपुर शहर में भी लगातार घूम करके हाई प्रेशर नोज़ल लगा करके उसको सैनिटाइज़ कराया जा रहा है। रोसड़ा और दलसिंह सराय में भी सैनिटाइजेशन लगातार हम लोग शहरी इलाकों में करा रहे हैं। इसके साथ साथ 4 बजे जो दुकान बंद करने का है उसका लगातार समीक्षा हो रही है, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मैक्सिमम लोग अपना दुकान खुद से बंद कर ले रहे हैं 4 बजे। ट्रीटमेंट की हम लोगों ने व्यवस्था की है अलग अलग संस्थानों में, जो ऑनलाइन भी उसको किया गया है, समस्तीपुर कॉलेज उसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ प्राइवेट में जगदीश सुपर स्पेशलिटी जेएस और नारायणा पहले से जोड़ा हुआ था, अभी वैष्णवी आज जोड़ा जा रहा है, वहाँ भी शुरू हो जाएगा और डायट पूसा भी आज से शुरू हो जाएगा, दो और फैसिलिटी हम लोग जोड़ रहे हैं। और अभी हमारे पास बेड हैं, 107 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 300 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंदुका गैस प्लांट से हम लोग लगातार भरवा रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है ज़िले में। और कुछ जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनको भी अब हम लोगों ने ऑथराइज़ कर दिया है, वो भी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर लोगों को भी उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने उनको ऑथराइज़ किया है। तो हॉस्पिटल्स का जब भरा जाता है उसके बाद फिर उनको भी हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध लगातार करा रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का एक स्पेशल हम लोग फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है ज़िले में लगातार चल रहा है, कहीं कहीं लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर के, उसके लिए हम लोगों ने लगातार फोकस किया है। हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले ड्राइव चला था, तो 91.7% हेल्थ केयर वर्कर्स पहला डोज लिए थे और 83% सेकेंड डोज लिए थे। फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स 124% लोग फर्स्ट डोज लिए, 70% लोग सेकेंड डोज लिए। 45+ जो अभी चल रहा है हमारा, तो लगभग हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि ज़िले में 8,51,000 लोग होंगे, जो पॉपुलेशन का एक्स्ट्रापोलेशन किया गया है कि 42 लाख था 2011 में, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके और उसका लगभग 17% निकाला है, 8,51,000 लोग होंगे ज़िले में। इसमें से सिर्फ 2,09,000 लोगों ने ही अभी फर्स्ट डोज लिया है, जो 24.5% होता है। 2,09,059 लोगों ने, अच्छा ये अपडेट है, 29% हो गया, 2,47,947 हो गया, ये अपडेट हुआ है, जो 29% यानी ज़िले के 29% लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है अभी 45+ कैटेगरी में। वैक्सीन अब हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, इसको हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं, सभी वीडियो से लगातार बैठक भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं, जिसका हम लोग आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि लोगों तक ये बात पहुँचे, वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लिया, हम लोगों ने भी ले लिया है,
और जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं वो संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है वैक्सीन का। जिले के सिविल सर्जन भी संक्रमित हुए लेकिन वो वैक्सीन लिए हुए थे तो वो रिकवर कर गए। तो वैक्सीन वाले लोगों का संक्रमण गंभीर नहीं हो रहा है, ये जनरल फाइंडिंग है। तो इसीलिए लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि वैक्सीन ज़रूर लें। कई हमारे सेशंस हैं जो पंचायतों में लग रहे हैं, कुछ जगहों पर लोग टर्नअप नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जो प्रखंड वाइज डेटा है इसमें समस्तीपुर अर्बन में 45+ लोगों ने वैक्सीन लिया है। लगभग 90% वैक्सीनेशन समस्तीपुर अर्बन क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद जो प्रखंड वाइज डेटा है उसमें पूसा में टारगेट का 42% लोगों ने वैक्सीन लिया है। विद्यापति नगर में 39% लोगों ने वैक्सीन लिया है। सिंगिया में 36% है। दलसिंह सराय में 34% है। रोसड़ा में 30% और अन्य प्रखंडों में इसी हिसाब से है। तो वैक्सीन का ड्राइव तेज करने की ज़रूरत है। कुछ प्रखंड है जैसे विभूतिपुर में सिर्फ 16% लोगों ने किया है, जो जिला में सबसे पीछे है। विभूतिपुर प्रखंड 16% से वैक्सीनेशन हुआ है। खानपुर में केवल 20% वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये कुछ प्रखंड हैं जो 30 से भी नीचे हैं। हसनपुर 24%, कल्याणपुर 24%, मोहद्दीनगर 27%, उजियारपुर 27%, पटोरी 28%, सरायरंजन 29%, शिवाजीनगर 29%। तो ये जो पीछे वाले प्रखंड हैं इन पे हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भी वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर अभी मेरे साथ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी भी हैं, ये भी आपको 2 मिनट बताएंगे वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है और क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों लोगों को वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहिए। माइक ऑन कर लीजिए। ये फोटो मैं लाया हूँ आप लोग दिखाने के लिए भी और ये आप देख भी रहे हैं। इसमें दो फोटो एक मिनट रुक जाइए माइक साथ साथ। इस फोटो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन का क्या एडवांटेज है। कोरोना वैक्सीनेशन एक हेलमेट की तरह है, जो अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं अगर हेलमेट पहन लेते हैं, अगर एक्सीडेंट भी करते हैं तो उनकी जान नहीं जाएगी। उनको हल्के फुल्की चोटें लगेगी मगर वो गंभीर रूप से गंभीर नहीं होंगे। और इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अगर कोविड का वैक्सीन ले लेता है तो अगर उसको निमोनिया भी होता है, क्योंकि निमोनिया ही जानलेवा होती है, उसी के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, तो उसको जो है सो माइल्ड के रूप में निमोनिया होगा, जो आप देख रहे हैं पहले वाले पिक्चर में। अगर जिसने सुई नहीं लिया है तो वो 2 से 3 दिनों के भीतर में ही वो दूसरे पिक्चर जो देख रहे हैं एक्सटेंसिव रूप से उसको निमोनिया हो जाएगा और उसका ऑक्सीजन डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पिक्चर के माध्यम से। यदि आप लोग प्रचार करते हैं कि सुई लेने से क्या फ़ायदा है, तो हमारा ये जो अभी थोड़ा बीच में कुछ कमी आ गई है वो हमारा बढ़ती हो जाएगी। इसलिए और टीकाकरण से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मामूली तौर पे थोड़ा बुखार देखा गया है, थोड़ा बदन में दर्द होता देखा गया है, जो कि सिंपल जो बुखार की दवाई है पैरासिटामोल उसको लेने से ठीक हो जाती है। और कहीं से भी हम लोगों के पास जिला में कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला है जिसे हम लोग कहें कि इससे कोई नुकसान हुआ है। और जैसा सर ने बताया लगभग 3 लाख व्यक्ति जो हैं अभी तक कोरोना का वैक्सीन जिला में ले चुके हैं और कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट आप लोगों को भी सब जानकारी रहती है, कहीं से भी ऐसा कोई इफेक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिला। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये एक मैसेज जाए कि कोरोना वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। यदि हमें लड़ाई लड़नी है तो बाकी जो हम उपाय कर रहे हैं वो करते रहेंगे, मगर उसे बचाने के लिए केवल टीकाकरण ही हमारा एकमात्र साधन है, एक उपाय है जिसके द्वारा हम इस कोरोना वैक्सीनेशन से लड़ाई बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो मेरा आप ही लोगों से ये उम्मीद है कि इस लड़ाई में टीकाकरण में सहयोग दें। थैंक यू। पूछना तो पूछ लीजिए, उसके बाद एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो पत्रकारों का आया है फ्रंटलाइन वर्कर्स में उसमें कितनी संख्या होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल है तो एज का कोई डिबार नहीं है, सभी एज के पत्रकार ले सकते हैं। तो, हाँ तो दूसरा डोज भी है तो, हाँ तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कराना है तो उसी हिसाब से हम लोग उसका व्यवस्था कर देंगे। तो आप लोग बता दीजिए ऋषभ सर के पास तो सर लिस्ट होगा। उसमें नहीं, उसमें कई लोग ले चुके हैं ना, कितने लोग बच गए हैं अखबार के उनको अपने प्रखंड रिपोर्टर का मांग।
और उसके बाद जो लिस्ट है उसे जो लिए हैं उनका भी जो वैक्सीन लिए उनका भी लिस्ट मांग लेंगे। इसमें ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर 100 या 150 से ज़्यादा लोग बचे होंगे तो हम लोग एक स्पेशल कैंप करा देंगे प्रेस भवन में। तो हाँ इसमें यह है कि जो हाँ तो इसमें यह है कि जो जिनके पास वो ऑथराइज्ड कार्ड नहीं भी है उनको भी DPR ऑथराइज करा के दिला सकते हैं। तो बात कर लो ऋषभ, एक डेट डिसाइड कर लो क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो वहीं करा दीजिए, बात करके ऑथराइज कर दो, कल परसों में करा दो। वेटनेस डे करा दो सूची होगा सर अपने अभी जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया गया तो पहले इनका करा देते हैं, और फैमिली अगर 45 प्लस होगी तब तो ऑलरेडी हो रहा होगा, और अगर 45 प्लस फैमिली का नहीं हुआ है तो वहाँ हम लोग करा देंगे, वहाँ फैमिली को भी अलाउ कर देंगे। अगर 45 प्लस फैमिली है तो 18 प्लस आएगा तो बाकी लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तुम वेडनेसडे को कराओ तो उसके पहले डेटा वेटा ले लो, उस समय कोई दिक्कत नहीं। अब आप कुछ पूछ देखिए, जो गाइडलाइंस हम लोग करा रहे हैं अनुपालन उसका, लॉकडाउन का तो ऐसा कोई चर्चा नहीं। सर आप बता रहे थे कि 3 लाख लोग लिए हैं वैक्सीन, कितने लोगों में कितने लोगों को लेना था? सर ने बताया अभी आपको कि लगभग हम लोग का टारगेट जो है 8,51,000 लोगों को लेना था, 45 प्लस में 8,51,416, इसमें लिए हैं 2,47,937। ये हम 45 प्लस की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर नहीं। 45 दूसरा बात है कि जो आवंटन हुआ है जैसे हाई स्कूल माध्यमिक को किया गया है उसका गेट में ताला लॉक है, नहीं मेरी जानकारी हुई है, हम लोग बोले हैं कि लगने के बाद नहीं हटाने के लिए, स्टार्टिंग में ही वहाँ करेंगे तभी लोग हट पाएंगे, तो इसको कल से SDO साहब इसको फोकस करेंगे, मेरी बात हुई है कल से कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए। APHC ना, APHC तो APHC को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ के स्टाफ को जो GCHC बना है उसमें उनकी जरूरत, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में उनको शिफ्ट किया गया है स्टाफ को। आम मरीजों को भी परेशानी बढ़ी है, देखिए आम मरीजों के लिए हम लोग फैसिलिटीज चालू रखे हैं, सदर अस्पताल में भी फैसिलिटीज चालू है, PHC में भी चालू है, रेफरल में भी चालू है, इसलिए हम लोग किसी PHC को DCHC में कन्वर्ट नहीं किए। एक चीज सदर अस्पताल में वो जो कोविड का जांच होता है मतलब टेस्ट के लिए लिया जाता है, उसको सर बगल में जहां पे वैक्सीन दिया जाता है उसमें कर दिया, अलग शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको वहां वैक्सीन वाले में शिफ्ट कर दीजिए तो ठीक है, उसको ऊपर छत पे जो लोग नीचे पे जांच करा के, नहीं वैक्सीन वाला तो यहां होने लगा ना, वैक्सीन यहां होता है बगल में जांच सर जांच जांच को शिफ्ट कर दे जहां वैक्सीन होता था वहां, उसके ऊपर में जांच ऊपर में जांच ऊपर में करेंगे लोग नीचे में रहेंगे, नहीं नहीं जांच वाला तो हो गया वहां, ना ना वहां वैक्सीन पर वैक्सीन वैक्सीन जांच वाला फिर एक बार डिस्कस कर लीजिए, ये बात है कर लेते सर, शिकायत आया था तो जांच वहां नहीं हो रहा, दलसिंह सराय में जांच नहीं हो रहा था, कहां पर दलसिंह सराय पे हम चेक करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं सर, साफ सब्जी के जो अगर कभी कभी डिसरप्ट होता है, LT लोग लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस किया जाता है, कभी जैसे स्टेशन पे आप लोगों ने कहा था मैंने 2 टीम दे दी थी लेकिन उसमें फिर एक टीम पॉजिटिव हो गई तो उसको फिर रिप्लेस किया जा रहा है। साफ सब्जी की दुकानों को तो आपने ये करा दिया लेकिन जो मीट मछली की दुकानें उस पर तत्काल काफ़ी भीड़ लगे जाती है, 50-50 आदमी वहाँ पर खड़े रहते कानपुर रोड में, इससे क्या कोई इस तरह का कोई नहीं है? देखिए अभी हम लोग डिसीजन नहीं लिए हैं उस पर क्योंकि मीट मछली की दुकान शिफ्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि उसका वेस्ट डिस्पोजल का भी फिर देखना होगा, हम लोग देख लेते हैं इस पर क्या डिसीजन होगा। दोस्त आपकी जो दुकानें बंद है।